को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का विषय नहीं, पूरा व्याख्यान है काल भैरव महाराज पर। समस्या यह है कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन एट डिस्पोजल होने के कारण सभी लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि भैरव जी की पूजा कैसे करें, नहीं करें, शराब चढ़ानी चाहिए नहीं चढ़ानी चाहिए, किस मंत्र से पूजा करें, किस यंत्र से पूजा करें। तो इस वीडियो में मैं आपको शुरू से बताऊंगा, अगर आप आज से भैरव जी का जाप कर रहे हैं तो आपको कैसे करना चाहिए। सबसे पहले भैरव जी के विषय में ये जानना चाहिए कि ये महादेव के अंश अवतार है, महादेव से स्वयं प्रकट हुए। जब हम महादेव बोलते हैं तो हमारा तात्पर्य शिव या महेश से नहीं होता है, क्योंकि वो भी महादेव के अवतार हैं और भैरव भी महादेव के अवतार हैं, सब समकक्ष हैं। तो जैसे शंकराचार्य जी ने लिखा था, भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव भेशम कष्ट हरम, तो मनुष्यों के कष्ट को हरने के लिए भैरव जी के रूप में महादेव ने अवतार लिया था। महादेव के ही रूप शिव है, महादेव के रूप ही महेश है। तो एक नाम जो है महादेव का वो भैरव जी हैं, ठीक है। कथा आप सभी को पता है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में एक बार वाद विवाद हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि हम श्रेष्ठ हैं, विष्णु जी ने बोला हम श्रेष्ठ हैं। महादेव जी जो हैं वो इसका निराकरण करने के लिए एक प्रकाश पुंज की तरह अवतरित हुए और बोले कि जो भी हमारे इस प्रकाश पुंज का और छोर खोज लेगा वही सबसे शक्तिशाली, सबसे बुद्धिमान होगा। तो विष्णु जी खोजने गए, नहीं खोज पाए, वो वापस आ गए और उन्होंने हाथ जोड़ दिया कि हम नहीं खोज सकते हैं। ब्रह्मा जी जब गए तो ब्रह्मा जी ने एक कनेर का फूल तोड़ करके ये बता दिया कि ये इस जो ये जो पुंज है इसका एक छोर ये है, और उन्होंने मिथ्या बोला। इससे महादेव बहुत क्रोधित हुए और उनसे फिर भैरव जी का प्राकट्य हुआ बाल रूप में, जिनको बटुक भैरव बोलते हैं। और फिर बटुक भैरव जी ने अपनी कानी उंगली से जो मिथ्या मुख था ब्रह्मा जी का उसको काट दिया। काटने के बाद उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा, तीनों लोक वो घूमते रहे, ब्रह्म हत्या से वो मुक्त हुए और फिर काशी में जाकर के स्थापित हो गए कोतवाल के रूप में, ठीक है। यह है इनकी एक कहानी। दूसरी कहानी है कि एक बार आपादु नाम का राक्षस ने बहुत ज्यादा देवताओं को परेशान कर रखा था। सभी देवताओं ने मिल करके एक रक्षक की उत्पत्ति की अपने शक्ति पुंज से, और उस रक्षक ने फिर आपादु राक्षस का वध किया, उद्धार किया। तो जो मंत्र हम बटुक भैरव का पढ़ते हैं उसमें आता है आपादु उद्धारणाय। लेकिन ये बटुक भैरव जो है और जो बटुक भैरव मूल है, दोनों के मंत्रों में अंतर है, ठीक है। इनके अलावा जो और भैरव मान्य है वो अष्ट भैरव हैं, जो भैरव जी के आठ रूप हैं। भैरव जी जो मूल हैं उनका तीन रूप माना जाता है, एक बटुक भैरव, एक काल भैरव और एक स्वर्ण आकर्षण भैरव का। इसके अलावा जो महाकाली के पैरों के नीचे महादेव हैं उनको भैरव की संज्ञा दी गई है। जो श्मशान में महाकाली रहती हैं उनके साथ जो महादेव हैं उनको भैरव बोला जाता है।
जो अष्ट मातृकाओं के साथ महादेव हैं उनको भैरव बोला जाता है, जो नव दुर्गा के साथ महादेव हैं उनको भैरव बोला जाता है, जो 10 महाविद्या के साथ महादेव विराजते हैं उनको भैरव बोला जाता है, जो 52 शक्तिपीठ में महादेव विराज रहे हैं उनको भैरव बोला जाता है। ठीक है, तो महादेव जहाँ भी भगवती के साथ विराजते हैं उनको भैरव का के संज्ञा में रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और समझिए कि वैष्णो देवी में जो भगवती के साथ जो भैरव जी का द्वंद्व हुआ था वो भैरव औघड़ थे, उनका नाम भैरवनाथ था। बहुत लोग इस पे भी कंफ्यूजन में हैं। वैष्णो देवी जाइएगा और जब आप और ऊपर चढ़ते हैं तब आपको काल भैरव जी का स्थान मिलता है, वो मूल भैरव है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन को भी दूर कर लिया गया। अब आगे आते हैं कि भैरव जी की पूजा कैसे करें। तो शुरू करते हैं हम कि अगर आप घर में शुरू करना चाहते हैं बटुक भैरव की पूजा, तो क्या क्या सामग्री आपको चाहिए होगा या काल भैरव की पूजा। तो पहला चीज ये समझिए कि यंत्रों से भैरव जी की पूजा आप घर पर नहीं कर सकते हैं, ना ही आपको करना चाहिए। ठीक है, विग्रह भी कोशिश करना चाहिए काल भैरव की ना रखे, बटुक भैरव का रख सकते हैं अगर आप चाहे तो। काल भैरव महाराज का जो है अगर किसी मंदिर में विग्रह है तो उनकी तस्वीर आप लगा सकते हैं। ठीक है, भैरव जी को दीपक के रूप में चौमुखी दिया, उसमें कम से कम हाँ ज्यादा तो बढ़िया, कम से कम 3 प्रकार का तेल, जिसमें चमेली का तेल जो है वो अनिवार्य है, मिला करके और उनको अर्पण किया जाता है। ठीक है, अच्छा जो मंदिर होता है और जो घर होता है उसमें पूजा का विधान अलग होता है। जिस प्रकार के और देवी देवता आपके यहाँ हैं, वैष्णव देवी देवता हैं, उसी हिसाब का वैष्णव पूजा जो है आप घर में भैरव महाराज को अर्पित करते हैं और वो स्वीकृत भी होता है। ठीक है, भैरव जी का पूजा 3 तरीके से होता है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। सात्विक तरीका यह है कि शुद्ध भोजन जो है, जैसे आप और देवताओं को देते हैं, जैसे नारायण को देते हैं, वैसे आप इनको परोसे और पेय में जो है इनको गुड़ का शरबत दे। ठीक है, जो तांत्रिक तरीके से करते हैं वो मछली दे सकते हैं, मांस चढ़ा सकते हैं, मांस वो जो कि बलि का हो, ऐसा नहीं कि कहीं से भी मांस लाके आप चढ़ा दिया, नहीं वो नहीं चलता है। और साथ में कारण जो होता है कारण भोग दे सकते हैं। जो राजसिक तरीके से करते हैं वो जो सात्विक भोजन है, अच्छी मिठाइयाँ, अच्छे प्रसाद, और साथ में जो तामसिक चीज, जो तांत्रिक वाली चीज़ें हैं, जो तामसिक चीज़ें हैं वो दोनों मिला करके जो राजसिक व्यवस्था से पूजा करते हैं वो करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इनको सेवा में गूगल का धूप, ठीक है, बहुत पसंद है, तो घर में आप गूगल का धूप जो है इनको धुना में दे सकते हैं। जो तांत्रिक या तामसिक तरीके से करते हैं वो एक गोबर का जो उपला होता है उसको जलाएं, उसके ऊपर बलि अगर पड़ा है तो बलि का जो कलेजा होता है वो, एक छोटी मछली, ठीक है, वो और साथ में गूगल, इससे इनको धूप देना चाहिए। ये तांत्रिक और राजसिक व्यवस्था है। ठीक है, इनको भोग में जलेबी, दही बड़ा सभी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो तामसिक, राजसिक, सात्विक तीनों के लिए व्यवहारिक है। और हमने तो देखा है नेपाल में जो दरबार स्क्वायर में काल भैरव की मूर्ति है, जो विग्रह है, जो काल भैरव विराजमान है दरबार स्क्वायर में, जो पूरे नेपाल को चला रहे हैं, वहाँ देसी मुर्गे का अंडा चलता है, लेकिन जो भारतीय संस्कृति में हम पूजा करते हैं हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, भैरव की पूजा जो है उत्तर की तरफ देख के कर, अगर आप कर रहे हैं तो आपको मंत्र जो जाप करना चाहिए वो करना चाहिए ब्रह्म 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 भैरवाय नमः। ठीक है, क्या? ब्रह्म 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 भैरवाय नमः, ब्रह्म 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 भैरवाय नमः। उत्तर के अलावा आप किसी दिशा में, मतलब अगर आप पूरब या पश्चिम की ओर मुंह करके पूजा कर रहे हैं तो ओम ब्रह्म भैरवाय नमः अगर ओम के लिए अधिकृत है, नहीं तो सिर्फ ब्रह्म भैरवाय नमः। सिर्फ जब आप पूरब देख के जाप करेंगे तो ये ब्रह्म जो है ये 3 बार बीज अक्षर का जाप होता है, क्योंकि उस समय जो
भैरव हैं वो दक्षिण मूर्ति हो जाते हैं। दक्षिण की तरफ मुख करके भैरव की पूजा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो बहुत विशेष प्रयोग होता है जिसमें कि दक्षिण की तरफ देख के भैरव की पूजा करते हैं। इसके अलावा जो नाम जाप है वो भैरव भैरव ऐसा करके 27 रुद्राक्ष की माला के दाना पर आपको करना चाहिए नाम जाप। दूसरा नाम जो आप भैरव जी का कर सकते हैं वो कर सकते हैं कालराज, ठीक है। ये भी 27 रुद्राक्ष का जो माला होता है 27 दानों वाला, उस पर करना चाहिए, ठीक है। जो पूरा मंत्र है वो गौमुख में रख करके, गौमुखी जो होता है ना जो माला रखने वाला, उसमें रख करके और कम से कम 4 माला का जाप जो है हर रोज करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो मंत्र है ओम ह्रिंग बंग बटुकाय आपादु उद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय ह्रिंग, इस मंत्र का भी आप लोग एक माला जाप कर सकते हैं। यह बटुक भैरव जी के लिए विशेष मंत्र है। इसके अलावा बटुक भैरव जी का एक मूल मंत्र है जो आपको चैनल पर मिल जाएगा, डरलक से हम वाला, ठीक है, उसका जाप आप लोग कर सकते हैं। कोई भी मंत्र करते हैं तो कोशिश करना है कि एक दिन में 4 माला करें। एक समय में नहीं कर पाते हैं तो अलग अलग समय तोड़ तोड़ करके आपको उसको करना है, ठीक है। अगले विषय पर आते हैं। हम लोगों को काला आसन रखना चाहिए ऊन का, ठीक है, या कम्बल वाला। भैरव जी की अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपको काला वस्त्र आपके पास होना चाहिए, कम से कम निचला वस्त्र जो है वो काला हो। और एक विषय, अगर आप तांत्रिक या राजसिक तरीके से भैरव जी की पूजा करते हैं तो आप जो कपड़ा पहनते हैं रोज, एक ही कपड़ा पहन करके जो काला वस्त्र है आप साधना करेंगे तो जो निचला वस्त्र है उससे एक भाग काट करके और अपने हाथ में उसको बांध लेंगे, ठीक है। जैसे मौली बांधते हैं उस तरीके से बांध करके इनका जाप किया जाता है, ठीक है। पूर्ण होने के बाद कपूर आरती जो है वो अनिवार्य होती है भैरव जी के पूजा में। चमेली का फूल इनको अति प्रिय है, गुलाब का फूल इनको अति प्रिय है, ये दो फूल जो है इनको आप अर्पण कर सकते हैं। अड़हुल का फूल भी बाबा को चढ़ता है, तो ये 3 प्रकार का जो फूल है वो आप इनको चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जाप बाबा का जब भी होगा रुद्राक्ष के पंचमुखी जो दाने हैं उस पर ही इनका जाप होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि किसी और मुखी माला पर जाप ना करें। जो तांत्रिक विधान से करते हैं वो 9 मुखी माला पर काल भैरव जी का जाप कर सकते हैं। काल भैरव का साधना करने वाले जो लोग हैं उनको गले में कम से कम 2 लरी रुद्राक्ष की पहननी चाहिए और बाएं हाथ में 9 मुख का, जो 9 मुखी रुद्राक्ष होता है उसका 11 या 16 का बाएं हाथ में जो आपकी भुजा है उस पर धारण करना चाहिए, ठीक है। समारोप ये बोल के हम करेंगे कि जो भैरव जी की पूजा करते हैं उनके लिए किसी भी अन्य तंत्र मंत्र टोटके पूजा विधान को करने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी को भी फर्श से अर्श पर ले जाने के लिए भैरव हमेशा खड़े रहते हैं, अपने भक्तों की सहायता के लिए बहुत ही प्रत्यक्ष रूप में खड़े रहते हैं। आप कुछ दिन साधना करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैरव हमारे साथ हैं, काल भैरव हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ रहते हैं, ठीक है। और जो भैरव के सेवकों के साथ लड़ता है भिड़ता है, देखिए भैरव के सेवक कभी हारते नहीं हैं, कोई लड़के हम लोगों से जीत नहीं सकता है। इसीलिए भैरव की साधना करिए, जिस रूप में आप सक्षम है करिए। अगर घर में करते हैं तो सात्विक करिए, अगर घर में रह के आपको तामसिक करने का मन है तो अपना पूजा स्थान अलग कर लीजिए और फिर जो है मध्य चढ़ा करके और मछली चढ़ा करके आप भैरव जी की पूजा कीजिए। जो 3 मंत्रों का वर्णन किया है उसी से पूजा कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। और जब आप ये शुरुआती पूजा करते रहेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आगे का साधना मार्ग और कैसे भैरव जी से और आप मतलब आपका आमना सामना हो इसका मार्ग वो खुद प्रशस्त करते हैं। जीवन में चमत्कारी घटनाएं होते जाएंगी और एक दिन आप जो है भैरव महाराज के सामने खड़े होंगे। आज के लिए इतना ही। रांची वाले भैरव बाबा आप सभी को अनंत आशीर्वाद प्रदान करें, उनकी साधना करने के लिए आपको शक्ति दे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश आराख आदेश, आदेश, आदेश।